आपको बता दें उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। पहाड़ पर लगातार बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो रही है और भारी बारिश की वजह से 8 जिलों में आज स्कूल बंद हैं। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बंद, गढ़वाल में पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तो आपको बता दें कि इस वक्त आसमानी आफत लोगों को झेलनी पड़ रही है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी है, उत्तराखंड में अगले 24 घंटे बेहद भारी रहने वाले हैं। चूंकि बारिश का अलर्ट जारी है, इसके साथ ही तमाम जो जोखिम हैं वो इस वक्त उत्तराखंड के तमाम जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। लैंडस्लाइड जैसे तमाम दिक्कतें लोगों को सहन करनी पड़ रही हैं। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। गढ़वाल में, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। स्कूलों को बंद रखा गया ताकि बच्चे घर पर रहें और किसी भी तरह के हादसे का शिकार ना हो। इसके साथ ही तमाम लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो मौसम के बारे में जानकारी लेते हुए उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जगह जगह रास्ते बाधित हुए हैं। तमाम जो जानकारियां हैं वो लगातार इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इस वक्त तमाम दर्शकों को जानकारियां दी जा रही, ताकि अगर आप बाहर निकल रहे हैं और या फिर कोई पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहा है तो सबसे पहले मौसम की जानकारी आप जरूर ले लें। इसके साथ ही रास्तों की जानकारी आप जरूर हासिल कर लें, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो सबसे पहले तमाम जो रास्ते हैं जिन रूट से आपको निकलना है उन रूट के बारे में जानकारी जरूर ले लें। जगह जगह रास्ते इस वक्त बाधित हैं, जलजमाव की स्थिति है और इसके साथ ही भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी है। अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। तो उत्तराखंड में अगले 24 घंटे बेहद भारी रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त संवाददाता सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। सचिन, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया और कितने जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है? मौसम की बात करें तो इस वक्त जो है जो उत्तराखंड के अधिकांश जो जिले हैं वहां पर बारिश देखने को मिल रही है। इस वक्त जो है देहरादून में भी हल्की बूंदेबांदी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जो है गढ़वाल वाली क्षेत्र में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, कुमाऊं वाले क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं स्कूलों को लेकर बात की जाए तो स्कूलों की जो कक्षाएं हैं 1 से लेकर 12 तक की जो कक्षाएं, अधिकांश कक्षाएं बंद हैं क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अभी भी लगातार बारिश हो रही है क्योंकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र वहां पे बारिश देखने को मिल रही है। देहरादून में भी इसमें बारिश हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लैंड स्लाइडिंग वाले जो क्षेत्र है वहां पर जो है कई जगह, जैसे बद्रीनाथ की बात करें तो कहीं सड़कें बंद हो चुकी हैं, लेकिन मशीनें जो है शासन के द्वारा वहां पर जो लैंड स्लाइडिंग वाले जो एरिया है वहां पर मशीनें रखी गई हैं। किसी भी प्रकार की जो, क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत श्रद्धालु को ना हो उसको लेकर जो है सरकार भी नजर बनाए है, आपदा प्रबंधन विभाग भी नजर बनाए हुए हैं। वहीं बात करें तो मौसम विभाग की या सरकार की, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें साफ तौर से अलर्ट किया गया है कि जो नदी वाले क्षेत्र हैं या नाले वाले क्षेत्र हैं वहां पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है जो जल स्तर जो है नदियों का बढ़ा हुआ है, चाहे अलकनंदा की बात करें या मंदाकिनी की बात करें, तो लगातार जो है गंगा जो नदी है उसका भी जल स्तर बढ़ा हुआ है और लगातार बारिश देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और ये जो लगातार जानकारी मिल रही है कि अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए भारी रहेंगे, ये किस तरह से भारी रहेंगे और कहां कहां पर अलर्ट जारी किया गया है? सचिन, देखिए ज्यादातर जो है जो मौसम विभाग ने जो है 7 तारीख तक जो है, जो 7 जुलाई है, तो मौसम को लेके अलर्ट जारी किया है। जो उत्तराखंड के अधिकांश जिले हैं, चमोली की बात करें और कुमाऊं वाले से पिथौरागढ़, चंपावत, कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है रेड अलर्ट जारी किया हुआ, क्योंकि ज्यादातर मौसम में जो है अधिकांश जो एरिया है वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि इस समय जो है। अपनी नजर बनाकर रखिएगा सचिन, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते बात करेंगे, उत्तराखंड में बारिश से कुमाऊं मंडल को बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल कुमाऊं मंडल में 52 सड़कें बंद हो गई हैं, यातायात ठप हो गया वहां पर। पहाड़ी जिलों में मलबा आने से खतरा बढ़ गया है और बंद सड़कों को खोलने में इस वक्त प्रशासन की टीम जुटी है। और आपको बता दें न सिर्फ कुमाऊं बल्कि और भी लगातार तमाम जगहों पर सड़कें बाधित हो रही हैं मलबा आने की वजह से, जगह जगह रास्ते बंद हो रहे हैं। प्रशासन के लिए इस समय बारिश का जो सीजन है वो चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि जगह जगह इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आती है पूरी बरसात के दौरान। ऐसे में प्रशासन जो है इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है और प्रशासन के लिए ये तमाम जो बारिश का दौर है ये चुनौतियों भरा रहेगा, क्योंकि इस तरह की स्थितियां जगह जगह देखने को मिल रही है। फिलहाल प्रशासन की टीम लगातार मलबा हटाने में जुटी है।